झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि किसी भी दल ने अपने प्रत्याशी का नाम अभी तक तय नहीं किया है। गठबंधन दलों की बात करें तो अभी तक उनमें सहमति नहीं बन पाई है। आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 31 मई तक नामांकन होना है। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, वहीं 3 जून को नामांकन वापस लिए जाएंगे। 10 जून को मतदान होगा। जहां एक ओर कांग्रेस जेएमएम से बार बार गुहार लगा रही है कि उनके दल से उन्हें इस बार राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाए, वहीं जेएमएम कोटे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके विधायक की संख्या पर्याप्त है तो जेएमएम का ही प्रत्याशी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सभी दल मिल बैठकर प्रत्याशी के नाम पर फैसला लेंगे। अपनी बात अपने तरह से ठीक बोल रहे हैं। हम कहां कह रहे हैं कि उनके पास संख्या की कमी है। हम तो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई गठबंधन होता है तो बलिदान त्याग पर ही समझौता होता है। बलिदान त्याग का मतलब कि अगर राजद के एक व्यक्ति भी जीत करके आए हैं तो हमने उनको मंत्री बनाने का काम किया है। बाकी लोग के चार चार पर होंगे लेकिन उनको एक पर बनाने, तो जब गठबंधन हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी जाती है। उसमें ये देखा जाता है कि आपस का कैसे हम लोग तालमेल बैठा करके चले, कैसे एक दूसरे का सहयोग करें, उस आधार पर बातें होंगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस के खाते में सीट जाएगी। हमारी गठबंधन की सरकार है। हमारा गठबंधन भी पूरी तरह से इंटैक्ट है और ये गठबंधन में बैठकर जो हमारे गठबंधन के शीर्ष नेता हैं उनके बीच बैठकर यह निर्णय ले लिया जाएगा और किसी तरह का कोई खींचातान, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई खींचतान कहीं से नहीं होगी। जो भी निर्णय होंगे सभी लोगों के विचार लेने के बाद ही, सभी जो वरिष्ठ हमारे गठबंधन दल के नेता हैं उनके विचार के बाद ही वो निर्णय होगा और जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। सबसे बड़े दल हम हैं तो स्वाभाविक हक तो हमारा बनना चाहिए और आज ऐसी स्थिति भी है कि हम दोनों सीटों पर भी उम्मीदवार दे सकते हैं। वहीं भाजपा की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि उचित समय आने पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी। वहीं पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने भी कहा कि भाजपा अपना राज्यसभा का उम्मीदवार जल्द घोषित करेगी। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश जो प्रत्याशी होगा वो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व के विचार विमर्श पर होता है। हमारे यहाँ प्रदेश की चुनाव समिति होती है, केंद्र का पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, ये दोनों मिलकर के तय करते हैं। उचित समय पर नामों की घोषणा हो जाएगी। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना हो चुकी है, 31 तारीख तक नामांकन है। जल्दी ही हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारे राज्य के नेतृत्व के लोग निर्णय लेंगे और उस निर्णय के आलोक में नाम सामने आ जाएगा। अभी समय है, चुनाव समिति की बैठक भी होगी। हाँ, जो प्रक्रिया है, जो हमारी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, वो सभी का पालन आने वाले समय में होता दिखेगा। तो चीज़ें आने वाले दिनों में हो जाएंगी, 2-3 दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।